वेलकम माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का 10 साल का रिपीटेड क्वेश्चन नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। चलो दोस्तों देखते हैं इसका डिटेल, फुल डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ओके, पर्निशियस एनीमिया जो है किसके डेफिशिएंसी के वजह से होते हैं? ये विटामिन बी, बी ऑप्शन में इंट्रिंजिक फैक्टर, सी ऑप्शन में गैस्ट्रिन हार्मोन, डी ऑप्शन में पैनक्रेटिक एंजाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रिंजिंग फैक्टर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इंट्रिंजिंग फैक्टर। इंट्रिंजिंग फैक्टर एक तो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि गैस्ट्रिक पेरिटल सेल से प्रोड्यूस होता है। ओके, और टर्मिनल यूनियन में क्या होता है? विटामिन बी12 अब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, ये फैक्टर अगर डेफिशिएंसी होता है तो पर्निशियस एनीमिया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ओके, नंबर टू में देखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? ओके, इसके लिए कौन सा हम ड्रग ऑफ चॉइस दे सकते हैं? पहला, डायबिटीज इंसिपिडस हमको पता होना चाहिए। इसका लिटरल मीनिंग अगर लेंगे तो पासिंग लॉट्स ऑफ इंसिपिड और टेस्टोस्टेरोन। ओके, जो कि एक हार्मोन है पोस्टपिट्यूटरी हार्मोन जिसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन। अगर उसका अगर डेफिशिएंसी होता है तो डायबिटी इंसिपिडस होता है। तो कौन सा ड्रग्स क्या दे सकते हैं? ए ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन, ओके, बी ऑप्शन में वासोप्रेसिन, सी ऑप्शन में लेसिक्स, डी ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन इज द राइट आंसर। ओके, और डी द राइट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। याद रखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो ठो इंपोर्टेंट हार्मोन सीक्रेशन होता है, एक ठो ऑक्सीटोसिन, अनदर वन इज द वासोप्रेसिन। ओके, वासोप्रेसिन को उसका अलग नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर डेफिशिएंसी होता है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। उसी बात देखेंगे नंबर थ्री में कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर बोलेंगे। ओके, कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब क्या है? ओके, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ओके, ए ऑप्शन में रिस्टोरेटिव सर्जरी, बी ऑप्शन में करेक्टिव सर्जरी, सी ऑप्शन में क्यूरेटिव सर्जरी, डी ऑप्शन में पेलिएटिव सर्जरी। ओके, तो सी ऑप्शन होगा क्यूरेटिव सर्जरी द राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे नंबर फोर में सडन वॉलंटरी रिपीटेटिव मीनिंगलेस मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मोशन। ओके, ए गोरिया, बी टिटानी, सी ट्रेमर, डी टाय। तो इसका आंसर क्या होगा? गोरिया होगा। ओके, सडन वॉलंटरी रिपीटेटिव मीनिंगलेस मूवमेंट होगा जो कि वॉलंटरी मोशन का है। ओके, उसको बोलते हैं गोरिया बोलते हैं। तो गोरिया इज द राइट आंसर। नंबर फिफ्थ में देखेंगे बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, और बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन भी बोल सकते हैं। तो ए में न्यूट्रिशन, बी में इम्यूनाइजेशन, सी में ब्रेस्ट फीडिंग, डी में ग्रोथ कार्ड, और ग्रोथ चार्ज भी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो आंसर विल बी द ब्रेस्ट फीडिंग। इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद नंबर सिक्स में देखेंगे डेक्स इज एन ऑब्स्ट्रिक्टिक इमरजेंसी। ए कॉर्ड प्रेजेंटेशन, बी इन्वोल्यूशन ऑफ यूटरस, सी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन, डी इन्वर्जन ऑफ द यूटेरस। तो आंसर क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ द यूटेरस। इन्वर्जन ऑफ द यूटेरस में क्या होता है? एक तो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, ओके, चाइल्ड बर्थ के टाइम में है। इसमें क्या होता है? प्लासेंटा रिमेंस अटैच रहता है। कोई ये फर्स्ट डिग्री इन्वर्जन, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। इसमें क्या होता है? प्लासेंटा रिमेंस अटैच ही हो जाता है और यूट्रस क्या होगा? इनसाइड आउट हो जाएगा। ओके, एग्जिट द पुल, यूट्रस इनसाइड द आउट। ओके, उसको बोलते हैं इन्वर्जन यूट्रस। ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, इसको जरूर याद रखो। ओके, मैं इसको दोबारा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ।
उसके बाद नंबर सेवन में देखेंगे द एपिकल पल्स इज लोकेटेड एट डेक्स इन द मिड क्लाविकुलर लाइन। ए ऑप्शन में सेकेंड इंट्रोकोस्टल स्पेस, बी ऑप्शन में थर्ड इंट्रोकोस्टल स्पेस, सी ऑप्शन में फिफ्थ इंट्रोकोस्टल स्पेस, डी में सेवेंथ इंट्रोकोस्टल स्पेस। तो आंसर विल बी द फिफ्थ इंट्रोकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पर मैं डायग्राम के तहत दिखा दिया हूँ, जो एपिकल पल्स होता है वो फिफ्थ इंट्रोकोस्टल स्पेस में लोकेटेड किया जाता है, जो कि मिड क्लाविकुलर लाइन में। देखो यहाँ एपिकल पल्स लोकेशन फिफ्थ इंट्रोकोस्टल स्पेस मिड क्लाविकुलर लाइन, ये जो पॉइंट दिया गया है। ओके, ये था इसका आंसर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एट में द कंडीशन इन व्हिच द पेशेंट इज कॉन्शियस। एक तो कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है बट इज नॉन रेस्पॉन्सिव टू द एनवायरनमेंट, बट एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन में डेलिरियम, बी ऑप्शन में स्टूपर, सी ऑप्शन में कोमा, डी ऑप्शन में कंफ्यूजन। ओके, इसका आंसर क्या होगा? स्टूपर होगा। ओके, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद नंबर नाइन में देखिए रीजनल एंटेराइटिस, एंटेराइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनल एंटेराइटिस को क्या हम बोल सकते हैं? इसका अलग नाम क्या होगा? ए अल्सरेटिव कोलाइटिस, बी पॉन्स डिजीज, सी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डी क्रॉन्स डिजीज। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रॉन्स डिजीज होगा। ओके, क्रॉन्स डिजीज को हम रीजनल एंटेराइटिस भी बोल सकते हैं। एक तो ये क्रोनिक इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। ओके, इसको जो नाम दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम था बुरिल क्रोन नाम से, क्योंकि 1932 में फर्स्ट टाइम इसको वो डिस्क्राइब किए थे क्रोन्स डिजीज को, इसीलिए डिजीज को बोला जाता है क्रोन्स डिजीज। रीजनल एंटेराइटिस आल्सो कॉल्ड क्रोन्स डिजीज। ओके, नेम्ड आफ्टर बुरिल क्रोन हु डिस्क्राइब द डिजीज इन 1932 में इसको डिस्क्राइब किए थे। उसके बाद 10 में देखेंगे अमंग द एलिजिबल कपल द एज ऑफ वुमेन। ओके, एलिजिबल एज कौन सा होगा? ए 18 to 45 ईयर्स, बी 15 to 45 ईयर्स, सी 15 to 50 ईयर्स, डी 18 to 50 ईयर। तो आंसर विल बी द 15 to 45 ईयर द ओके एज है वुमेन का जो कि एलिजिबल। ओके, फर्टाइल पीरियड भी इसको बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे दोस्तों 11 में द कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी इन व्हिच फूट इज डॉर्सिफ्लेक्स एंड द टॉयज आर हायर देन हील, और क्लब फूट भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? क्लब फूट भी बोल सकते हैं, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है। ओके, देखो यहाँ पर दिखा गया है ए टेलीपेस कालकानियस, बी टालीपेस एक्विनास, सी टालीपेस वाल्गस, डी टालीपेस वार्सस। तो इसका आंसर क्या होगा? टेलीपेस एक्विनास, ये है राइट आंसर। देखो ये ऐसा कंडीशन का हमको फूड देखने को मिलेगा जो डॉर्सिफ्लेक्स्ड है, फूड देखो डॉर्सिफ्लेक्स्ड है। ओके, और जो टॉयज है वो हायर देन हील है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 12 में द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमेन। ओके, कौन सा बेस्ट टाइम है जो स्पूटम कलेक्शन करने के लिए बेस्ट टाइम है? ए बिफोर ब्रशिंग द टीथ इन द मॉर्निंग, बी ऑप्शन में आफ्टर एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, सी आफ्टर नेबुलाइजेशन, डी आफ्टर स्टीम इनहेलेशन। तो आंसर क्या होगा? मैन कौन सा टाइम में हम स्पूटम कलेक्शन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम रहेगा? ओके, ब्रश करने से पहले हम मीन ब्रश टीथ को ब्रश करने से पहले उसी टाइम हमको क्या कर लेना चाहिए? ओके, स्पूटम कलेक्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद 13 में देखेंगे डेक्स इज यूज टू मेजर द चेंजेस इन वॉल्यूम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ए बार्लो टेस्ट, बी प्लेथिस्मोग्राफी, सी ब्यूरेट टेस्ट, डी सुल्क विच टेस्ट। तो आंसर विल बी द प्लेथिस्मोग्राफी, ये है राइट आंसर, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद 14 में देखेंगे द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज इन कौन सा ईयर में MESI एक्ट ओके प्रपोज्ड किया गया? ए 1975, बी 1976, सी 1948, ओके डी 1952। तो आंसर विल बी द 1948, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद देखेंगे द टर्न सिजोफ्रेनिया वाज कॉइंड बाय ए यूजेन विलियर,
B. Emil Kerblin. C. Philippe Pinel. D. Abraham Maslow. तो आंसर क्या होगा इसका? यूजेन लियो. इसको टॉम को कुलमिन एक साइकेट्रिस्ट थे, ये सिजोफ्रेनिया टॉम को पॉइंट किए थे. इसको जरूर याद रखना. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.